भालचाल से तड़के सुबह अमरनाथ यात्रियों का जत्था हुआ रवाना, श्रद्धालुओं के चेहरे पर दिखी मुस्कान। कुछ भक्त घोड़े और खच्चरों से कर रहे हैं यात्रा, कुछ पैदल ही जा रहे हैं बाबा के दरबार, सभी भक्तजन दिखे उत्साहित। पहलगाम के नूनवन कैंप से बाबा केदारनाथ की गुफा के लिए भक्त हुए रवाना, बाबा के दर्शन के लिए सभी दिख रहे हैं उत्साहित और प्रफुल्लित। क्या बच्चे और क्या बड़े, सभी लगा रहे हैं हर हर महादेव के जयकारे, भोले की भक्ति में डूबे श्रद्धालु। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में सेना के जवान हुए तैनात, सभी व्यवस्थाओं का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। हरियाणा विधानसभा चुनाव को गृहमंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक, सुबह 11 बजे पंचकुला के ताऊ देवीलाल सपोर्ट स्टेडियम में होगी बैठक। बैठक में सीएम, नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बिप्लब कुमार देव और मनोहर लाल खट्टर रहेंगे मौजूद, बैठक में शामिल होंगे 4500 कार्यकर्ता। सभी 90 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अमित शाह, चुनाव में जमीनी स्तर पर मेहनत करने के लिए करेंगे प्रोत्साहित। कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की रूपरेखा तैयार करेंगे अमित शाह। शाम 5 बजे तक चलेगी बैठक, इसी साल अक्टूबर में हरियाणा में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव। आज खत्म हो रही है सीएम अरविंद केजरीवाल की सीबीआई कस्टडी, शराब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई कस्टडी का दिया था आदेश। आज कोर्ट के सामने शाम 7 बजे पेश होंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, 3 दिन सीबीआई कस्टडी में रहे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी आज देशभर में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ करेगी विरोध प्रदर्शन, आपके निशाने पर होगी बीजेपी। आम आदमी पार्टी के सांसद, पार्षद और कार्यकर्ता सुबह 10 बजे पार्टी कार्यालय पर होंगे एकत्रित, दफ्तर से ही मार्च करेंगे आप नेता और कार्यकर्ता। आप कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय का करेंगे घेराव, सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के प्रति जाहिर करेंगे अपनी नाराजगी। आज दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होगी बैठक, सीएम नीतीश कुमार करेंगे बैठक का नेतृत्व। बैठक में लोकसभा चुनाव में बिहार के रिजल्ट की होगी समीक्षा, 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर होगी बात। बिहार में पिछले 11 दिनों में गिरे 5 पुल, मधुबनी में गिरा 5वां पुल। प्रधानमंत्री रूरल रोड स्कीम के तहत बना था पुल, करीब 3 करोड़ रुपए के बजट से बन रहा था पुल। ठेकेदार ने कहा कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से ढह गया पुल, जलस्तर कम होने के बाद दोबारा शुरू होगा निर्माण। दिल्ली में जलभराव को लेकर आपके 4 मंत्रियों ने की अहम बैठक, वाटर लॉगिंग की समस्या और आने वाले मॉनसून की तैयारी को लेकर दिए गए निर्णय। वाटर लॉगिंग पर बोली जल मंत्री आतिशी, कहा हमने पिछली बारिश तक की करीब 200 हॉटस्पॉट की पहचान की, इनमें 40 हॉटस्पॉट पीडब्ल्यूडी की सीसीटीवी की निगरानी में। दिल्ली में 24 घंटे में 288 मिलीमीटर बारिश को लेकर बोली आतिशी, कहा जलस्तर कम होने में लगेगा समय, नालियों से पानी ओवरफ्लो होने का मतलब ज्यादा मात्रा में हुई है बारिश। जल जमाव की समस्या पर बोले आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा 1936 के बाद दिल्ली में हुई ऐसी बारिश, शहर के कई हिस्सों में भरा बारिश का पानी। वाटर लॉगिंग की समस्या को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आपको घेरा, कहा यह कोई नई घटना नहीं, दिल्ली के सभी नाले जाम हैं, यह निकम्मेपन का बहुत बड़ा उदाहरण है। बारिश के बाद मोदी मिल फ्लाईओवर के पास दिखा लंबा जाम, आवाजाही में हुई परेशानी। राजस्थान के धौलपुर जिले में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही है बारिश से पक्का मकान ढहा, बाल बाल बचे परिवार के लोग। पौड़ी शहर में 2 पेयजल योजनाओं के बाद भी पानी की आपूर्ति नहीं, 100 करोड़ की लागत से बनी योजना के बाद भी पेयजल की किल्लत। मॉनसून की हिमाचल प्रदेश में जोरदार दस्तक, 29 और 30 को भारी बारिश का अलर्ट, शिमला में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुई सबसे अधिक बारिश। उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट नगर पालिका में भीषण पेयजल संकट से निजात पाने के लिए लोगों ने दिया धरना, साथ ही नगरीय पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति की भी सरकार से मांग की। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर तराई रेंज में बारिश का पानी टूरिस्ट के लिए बना मुसीबत का सबब, पानी भरने से सफारी करने गए टूरिस्ट फंसे। मथुरा में हुआ भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव, वाहन चालकों के लिए बारिश बनी मुसीबत।
कुछ घंटों की बरसात ने खोली प्रशासन की पोल, वहीं बारिश के पानी में मस्ती करते दिखे बच्चे। शिमला में हुई पहली बारिश के बाद ही दिखा तबाही का मंजर, सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आ जाने से 3 गाड़ियां दबी। गुजरात में बारिश को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान, आने वाले 7 दिनों में बारिश के आसार। आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 हादसे में FIR दर्ज, दिल्ली पुलिस ने लगाई धारा 304A और 337। दिल्ली के डोमेस्टिक एयरपोर्ट थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 304A लापरवाही से मौत और 337 दूसरे के जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए लगाई जाती है। एयरपोर्ट हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्री की बैठक, देश के सभी हवाई अड्डों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। दिल्ली में तेज हवाओं और बारिश में आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल की एक छत टूटी, एक की गई जान, 6 हुए जख्मी, जख्मी लोगों का इलाज जारी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने किया मुआवजे का ऐलान, कहा मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए और घायलों को दिया जाएगा 3-3 लाख रुपए का मुआवजा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिंदे ने खोला सरकारी खजाना, सरकार के आखिरी बजट में मुख्यमंत्री बहन योजना के साथ मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की घोषणा। मुख्यमंत्री बहन योजना के तहत 21 से 60 साल की महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे 1500 रुपए, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत साल में 3 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे मुफ्त। महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल पर टैक्स में बदलाव, डीजल पर टैक्स 24% से घटाकर 21% कर दिया गया। सीएम शिंदे ने कहा यह बजट युवा, किसान, श्रमिक सभी को आगे बढ़ाने वाला, युवाओं को 10,000 रुपए मिलेंगे अप्रेंटिसशिप और 10 युवाओं को अप्रेंटिसशिप का मौका। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा सभी वर्गों के चेहरों पर मुस्कान लाएगा यह बजट, किसानों को मुफ्त बिजली देने की तैयारी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शंभू राजे देसाई ने बजट को बताया सभी वर्गों को न्याय देने वाला बजट, कहा महिलाओं और किसानों को इस बजट में मिलेगी जगह। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने शिंदे सरकार के बजट को लेकर कसा तंज, बोले ये जुमलेबाज बजट है, ये बजट ने महाराष्ट्र की जनता को निराश किया। आज पेश हुए महाराष्ट्र के बजट पर यूबीटी सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सरकार पर किया कटाक्ष, बोले अब सरकार बांट रही खैरात। जेपीजी सीएम फडणवीस का आया बयान, बोले पौष कांड जांच में पुणे पुलिस प्रमुख अमितेश की थी सक्रिय भूमिका। मध्यप्रदेश के मंत्री विजय वर्गीय ने नागपुर पहुंचकर नागपुर के ही संतरों पर उठाया सवाल, कहा मध्यप्रदेश का सारा संतरा नागपुर के व्यापारी लाते हैं और नागपुर के संतरे के नाम से करते हैं ब्रांडिंग। बीजेपी राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री मोदी की नेहरू से तुलना करने से किया इनकार, सांसद ने पीएम मोदी को बताया अतुलनीय। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा पीएम मोदी को तीसरी बार जनता ने चुना अपना प्रधानमंत्री, आगे कहा महात्मा गांधी की मेहरबानी से देश के पीएम बने थे नेहरू। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेहरू से तुलना करते हुए किया था कटाक्ष, नेहरू से कई गुना छोटा बताया था प्रधानमंत्री मोदी का कद। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा नेहरू ने उनके खिलाफ बोलने वालों को किया दंडित, पीएम मोदी ने उनके खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ नहीं लिया कोई एक्शन। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि संपन्न पृष्ठभूमि से आते थे जवाहरलाल नेहरू, जबकि साधारण परिवार से आते हैं प्रधानमंत्री मोदी।